चाल में अगर आपने एक ही नहीं जोड़ी। रालोद नेता आरपी सिंह चौहान द्वारा सीतापुर में बंद पड़ी ट्रामा सेंटर और जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले 5 दिनों से किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने को धार देने के लिए अब समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई है। सपा के अलावा कांग्रेस ने भी इस धरने को समर्थन देने का ऐलान किया है। सीतापुर के विकास भवन के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में शुक्रवार को सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, सपा नेता दिग्विजय सिंह देव, आशुतोष सिंह यादव सहित अन्य सपा नेताओं के साथ सामाजिक संगठन आईपीएफ के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी शामिल हुए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि 2016 में उनकी सरकार में बनाए गए ट्रामा सेंटर को भाजपा सरकार आज तक चालू नहीं करा सकी। यह हाल तब है जब रोजाना हाईवे पर दुर्घटनाएं होती हैं और सीतापुर में इलाज न मिल पाने के चलते मरीज लखनऊ पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जब प्रशासन इस समस्या का निदान नहीं करता, समाजवादी पार्टी के लोग धरने में मौजूद रहेंगे और पूरे जिले में चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन कर गरीबों व किसानों को जगाने का काम करेंगे। आईपीएफ के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी ने कहा कि सीतापुर के बंद पड़े ट्रामा सेंटर बेदहाल स्वास्थ्य सेवाओं व जरूरतमंदों को स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड जैसी समस्याओं को लेकर इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होता वो भी धरना में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले धरने में लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा व पूर्व विधायक रामपाल यादव सहित कई सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू भी शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने एक पत्र लिखकर रालोद नेता आरपी सिंह चौहान द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन देने का ऐलान किया है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने सरकार और प्रशासन पर हमलावर होते हुए कहा, आरपी सिंह जी साहब आज 5 दिन से जन समस्याओं को लेकर जो स्वास्थ्य की समस्या है, हमारा समाजवादी पार्टी सर में जो ट्रामा सेंटर बना हुआ था वो आज भी बंद पड़ा हुआ है, इसकी मांग को लेकर 5 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में आज समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन इनको दे रही है और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता है तब तक समाजवादी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग जन समस्याओं की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और इसी प्रशासन जो गूंगा बैठा हुआ प्रशासन यहाँ पर है इसको जगाने का काम करेंगे। आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चरमरा गई हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के तो ये हाल है, अस्पतालों में न तो डॉक्टर हैं, न कंपाउंडर हैं, न दवाएं मिल रही हैं और मरीज पे मरीज, एक एक बेड पे 5-5 मरीज पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये ट्रामा सेंटर, एक ऐसा ट्रामा सेंटर जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था हाईवे पे, कि यहाँ पर हाईवे से तमाम हर समय रात दिन हाईवे चलता है, यहाँ पे तमाम लोगों को जाते हैं जिनको एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको लखनऊ जाने में समय लगता है, इसलिए अकाल मृत हो जाते थे। ऐसा ट्रामा सेंटर इसलिए यहाँ बनाया गया था कि वहाँ लखनऊ जाने से पहले यहाँ ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा तो यहाँ लोगों को इलाज, समुचित इलाज मिलेगा, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी, अच्छा बढ़िया कंपाउंडर रहेंगे, अच्छे अच्छे लोग रहेंगे यहाँ पर। मगर आज इस सरकार ने, हो गए इनको 7 साल सरकार बनाए हुए समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद में, इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाए, आज उसको चालू नहीं कर पाए और तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए थे समाजवादी पार्टी में वो भी बंद पड़े हुए हैं और विद्यालय खोले गए थे, इंटर कॉलेज खोले थे, बालिका इंटर कॉलेज खोले गए थे वो बंद पड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है और ये केवल बहकाने का काम, हिंदू मुस्लिम का काम कर रही है और कोई भी जन शासन से, इनसे जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान रात दिन बचा रहा है खेतों में मगर उसकी फसल नहीं बच पा रही है। आज तमाम
हमारे किसान भाई, आज एक घटना हो गई यहाँ कमलापुर के पास में, एक सांड ने एक किसान को पटक दिया, उसकी जान चली गई, इसलिए तमाम घटनाएं हो रही। मगर इन जन समस्याओं से लेकर इन समस्याओं को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं है कोई मतलब नहीं है। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार को उखाड़ कर हम लोग नहीं फेंकेंगे, सांस से बैठने वाले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और भाई बिहारी वगैरह और जितने समय बैठने वाले नहीं हैं, यह चलेगा धरना। जब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा चलेगा धरना, और यहाँ नहीं चलेगा, इसको हम चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे और पूरे जनपद में जगाने का काम करेंगे, गरीबों को किसानों को जगाने का काम करेंगे कि आपकी समस्याएं थी, आपके स्वास्थ्य की समस्याएं थी, शिक्षा की समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी, इनको जब तक सुधार नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से गाँव में जाएंगे, गाँव जाकर संवाद करेंगे लोगों से, गरीबों को जिनको जगाने का काम करेंगे। सपा नेता दिग्विजय सिंह देव ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा, देखिए समाजवादी पार्टी जो लड़ाई है वो पहले दिन से लड़ रही है। आपने देखा होगा तमाम आंदोलन हमने सड़कों पर किए और तमाम आंदोलनों में ये बात रखी कि जिस तरह से स्वास्थ्य संस्थाएँ जो संस्थाएँ हैं इनकी वो बिल्कुल बदहाल हैं। अगर किसी को रात में कोई दिक्कत हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनके पास एक दो टिकिया के अलावा कुछ है नहीं, एक इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते। इनके पास सिर्फ एक कागज है जिस पर ये लिख देते हैं कि आप लखनऊ रेफर किए जाते हैं। उनके पास कोई बुनियादी ऐसी सुविधाएं नहीं है जिससे उसकी जीवन बचा सके। ये ट्रामा अस्पताल, ये अस्पताल बड़ी सोच की बात थी, जैसा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि ट्रामा अस्पताल सिर्फ एक्सीडेंट वाले जो इलाज वाले जो लोग आते या जो एक्सीडेंट होते उनके अलावा भी ऐसी रात में जो जरूरतें थी, रात में जो दिक्कतें थी और रात में कोई घटना हो जाती थी तो ऐसे लोग ट्रामा अस्पतालों में रात के 2 बजे 3 बजे भी डॉक्टर उपलब्ध मिलते, लेकिन पिछले 6 सालों से उसे बंद किया गया है। ये आंदोलन जो आरपी सिंह जी ने शुरू किया है, हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि ये आंदोलन पूरे ज़िले में आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी गाँव में दिखाई देगा, और जिसकी अगुवाई इनके साथ साथ समाजवादी विचारधारा के लोग, ये लाल टोपी के नौजवान करते दिखाई देंगे। आईपीएफ के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी ने जिले की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था और धरना प्रदर्शन को समर्थन देने की बात कहते हुए कहा, देखिए पिछले 4 रोज से सीतापुर के जन नेता आरपी सिंह चौहान, जो लोकदल के भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सीतापुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के धरना चला रहे थे, जिसमें विभिन्न संगठनों का समर्थन भी आया, खास करके जो ट्रामा सेंटर लंबे समय से बना पड़ा है जिसकी शुरुआत का सवाल है, स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड जो सभी गरीबों के नहीं बन पा रहे हैं, सर्वे काफ़ी पहले हुआ था, उसी पुराने सर्वे के आधार पर स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं, तो हमारा ये भी कहना है कि नया सर्वे करके सभी गरीबों को स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड दिए जाएं। अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था है, तो इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के जो यहाँ 4 दिन से आंदोलन चल रहा था, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब इस आंदोलन को एक नया मोड़ देना होगा, इसलिए इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के, स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर के, पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, और अभी पाठकपुर गांव में खैराबाद से मिला हुआ है, वहां पर 60 परिवार पूरा बुखार में पड़े हुए हैं, पूरे ज़िले में 37 ऐसे गांव हैं जहां पर पूरे के पूरे गांव बीमार हैं, वायरल की चपेट में हैं, और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर आँखें मूंदे बैठा है। तो आज मैं यहाँ पर उपवास सत्याग्रह शुरू कर चुका हूँ, और ये विकास भवन के सामने आज उपवास सत्याग्रह शुरू हुआ है इस आंदोलन के समर्थन में, जो आरपी सिंह, ये जो रालोद नेता हैं आरपी सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में चल रहा था, तो इसी के समर्थन में आज से मैं उपवास सत्याग्रह शुरू किया हूँ, और जब तक प्रशासन कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है इस विषय पर तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ट्रामा सेंटर चलाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने कहा कि जब तक ट्रामा सेंटर शुरू नहीं होता तब तक यह धरना ऐसे ही चलता रहेगा।
पहली बात तो ये है कि ये कारोबार नहीं, ये जन आंदोलन है और जन भावनाओं का प्रकटीकरण है। ये सीतापुर के 50 लाख लोगों का जो सवाल है, उनका हक हकूक है, उसकी लड़ाई है। और जो लोग भी जो सीतापुर के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, सीतापुर के 50 लाख आबादी की जिम्मेदारी महसूस करते हैं, वो सब सब लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया। इसके लिए हम उन सब जो लोग आए उनके, पहली बात हम उन सबके आभारी हैं। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के साथी, समाजवादी पार्टी के मुखिया जिले के आदरणीय छत्रपाल यादव जी जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह देव जी हैं, कल भी अनिल वर्मा जी जो लहरपुर से विधायक हैं वो आए थे, उससे पहले रामपाल यादव जी पूर्व विधायक बिस्वा वो आए थे, समाजवादी पार्टी के अंकित त्रिवेदी हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है, हम लोगों का गठबंधन भी है। आज कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी आए थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया, सहयोग का वादा किया। संयुक्त किसान मोर्चा के साथी आपके बीच में आए थे अभी दो दिन पहले, उन्होंने भी संघर्ष में सहयोग का वादा किया था। और ये लड़ाई, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लड़ाई आरपी सिंह चौहान की लड़ाई, ये लड़ाई राष्ट्रीय लोक दल की लड़ाई, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की या अन्य संगठनों की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई सीतापुर के 50 लाख लोगों के हक हकूक अधिकार की लड़ाई है। उनको जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही, जिला प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं और सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम उन 50 लाख लोगों के बीच में जाएंगे। हम समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों के साथ भी इस पर बात कर रहे हैं कि अगर ये लोग अधिकारी नहीं सुनेंगे, सरकार नहीं सुनेगी, तो हम उन लोगों के पास जाएंगे जो सरकार बनाते हैं और उनसे अपनी बात कहेंगे कि आपकी बात ये सुनने को तैयार नहीं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में सपा नेता अंकित त्रिवेदी, सादिया खान, मोहम्मद रिजवान, विवेक वर्मा, उमेंद्र वर्मा, विनय यादव, नूर नेता सहित सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टडी वेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीतापुर, स्टडी वेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडी वेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलियेटेड टू CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर NCC फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ब्लेस्ड बाय ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ UP, स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स, स्कूल सिनेमा, अल्ट्रा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट, डिजिटल क्लासरूम। स्टडी वेल ग्रुप प्रेजेंट्स ITI एंड फार्मेसी कॉलेज। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।